हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है लखनऊ जंक्शन मुंबई बांद्रा वीकली एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है लखनऊ जंक्शन बांद्रा टर्मिनस वीकली एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है लखनऊ से मुंबई के बीच में हफ्ते में एक दिन चलती है। लखनऊ से यह हर इतवार को रवाना होती है बांद्रा टर्मिनस मुंबई के लिए, और इस ट्रेन का नंबर है 19022। 32 घंटे 25 मिनट पे अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 23 स्टेशन हैं और 1687 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 52 किलोमीटर पर आवर। ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसे वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। दोस्तों, ये जो ट्रेन है लखनऊ जंक्शन से हर इतवार को बांद्रा टर्मिनस के लिए रवाना होती है। लखनऊ जंक्शन से इसका चलने का समय है रात के 11:35 पे और बांद्रा टर्मिनस में मंगलवार को सुबह 8 बजे पहुँचती है। अगर इसके टिकट किराए के बारे में बात करें तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो लखनऊ जंक्शन से बांद्रा टर्मिनस तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पे जाकर जरूर चेक कर लें। सेकंड एसी का जो किराया है वो है 2530 रुपये, जिसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और GST चार्ज शामिल होता है। थर्ड एसी का जो किराया है वो है 1720 रुपये, इसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और GST चार्ज शामिल होता है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 650 रुपये के करीब, इसमें रिजर्वेशन चार्ज और बेस फेयर चार्ज शामिल होता है। इसमें कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता है। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं, जिसका किराया जो है लगभग 370 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके भी कन्फर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं लखनऊ जंक्शन मुंबई बांद्रा टर्मिनस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। ये जो ट्रेन है लखनऊ जंक्शन बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से हर इतवार को रात को 11:35 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है, और इसके तकरीबन 23 स्टेशन हैं। और ये जो ट्रेन है 32 घंटे 25 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। उसके बाद ये अपने दूसरे स्टेशन कानपुर सेंट्रल में रात के 1:35 पे पहुंचती है और 1:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और 6 या 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कानपुर अनवरगंज में पहुँचती है रात के 1:57 पे और 2 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कन्नौज में रात के 2:58 पे पहुंचती है और 3 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद लखनऊ जंक्शन बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस जो है वो अपने अगले स्टेशन फरुखाबाद जंक्शन में सुबह 4:05 पे पहुँचती है और 4:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये ट्रेन जो है रुकती है। कासगंज जंक्शन में ये सुबह 6:15 पे पहुंचती है और 6:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, यहाँ पर ये 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद लखनऊ जंक्शन बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस जो है वो हाथरस सिटी में सुबह 7:38 पे पहुंचती है और 7:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। मथुरा जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 9:10 पे पहुँचती है और 9:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। अचनेरा जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 10:10 पे पहुँचती है और 10:35 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 25 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है राजस्थान में भरतपुर जंक्शन में सुबह 11:35 पे पहुँचती है और 11:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। सवाई माधोपुर जंक्शन में ये दोपहर के 1:45 पे पहुंचती है और 1:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। कोटा जंक्शन में ये दोपहर के 3:40 पे पहुंचती है और 3:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। भवानी मंडी में ये ट्रेन जो है शाम के 5:33 पे पहुंचती है और 5:35 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। रतलाम जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 9:05 पे पहुंचती है और 9:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गुजरात में दाहोद स्टेशन में पहुंचती है रात के 11:08 पे और 11:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। गोधरा जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 12:23 पे पहुंचती है और 12:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। वडोदरा जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 1:27 पे पहुंचती है और 1:37 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। वडोदरा जंक्शन में ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे रुकती है और लखनऊ जंक्शन से वडोदरा जंक्शन की जो दूरी है
1305 किलोमीटर की ये ट्रेन जो है कवर कर चुकी होती है। भारूच जंक्शन में ये रात के 2:25 पे पहुंचती है और 2:27 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। सूरत स्टेशन में ये सुबह 3:22 पे पहुंचती है और 3:27 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गुजरात के आखिरी स्टेशन वापी स्टेशन में पहुंचती है सुबह 4:38 पे और 4:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। बोईसर में ये ट्रेन जो है सुबह 5:40 पे पहुंचती है और 5:42 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है और ये महाराष्ट्र का पहला स्टेशन है इस ट्रेन का। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने सेकेंड लास्ट स्टेशन बोरीवली स्टेशन में पहुंचती है। बोरीवली स्टेशन में ट्रेन जो है सुबह 7:13 पे पहुंचती है और 7:16 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद लखनऊ जंक्शन बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस जो है वो बांद्रा टर्मिनस मुंबई में सुबह 8:00 पहुंचती है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो टोटल जर्नी है ये लखनऊ से यहाँ तक की 1687 किलोमीटर की कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पर मैं वीडियो बनाऊँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे। या अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरी बाकी अन्य वीडियोस को भी देखें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।